You're watching Doctor Education. Welcome, and we are live again. और आज हम फिर से हॉस्पिटल में हैं. So you can ask me questions, 10 questions, जैसे हमने कहा, 10 सवालों के, 10 लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे आज. पहले 10 लोगों के, as usual, और 3-4 कुछ हम questions उठा लेंगे बीच में से. I hope last time जो लोगों के सवाल रह गए थे, उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए. हमने वो सवालों के जवाब के लिए एक दूसरा वीडियो बना दिया था. राइट, एंड दैट इज़ गुड. सो हमारे पास कुछ सवाल आ गए हैं, कुछ लोग ऑलरेडी हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो. राइट, एंड बहुत से उल्टे सीधे वीडियोस देखने को मिलते हैं यार यूट्यूब पे. आई मीन पीपल जस्ट हैव सो मेनी सब्सक्राइबर्स. मुझे समझ में नहीं आता लोग उल्टे सीधे वीडियो बना के सब्सक्राइबर क्यों आ जाते हैं. लोग बिना सोचे समझे कैसे बिलीव कर देते हैं. आई मीन सो मच रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. हे भगवान, भगवान बचाए आप लोगों को कसम से. एनीवेज, कीप लाइकिंग द वीडियोज. आई होप अच्छे अच्छे रहेंगे हम. राइट, एंड हम ऐसी आपके बातें क्लियर करते रहेंगे तो आपको पता होता रहेगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना आगे. राइट, होपिंग दैट हम थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी. तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं किसका है. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मुदित मनचंदा जी का. कैन वी ड्रिंक जूस एम्प्टी स्टमक बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज? इफ यस, देन विच जूस शुड वी प्रेफर? देखिए, बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज जूसेस आर नॉट सो बैड, बट फ्रूट विल बी बेटर क्योंकि उसमें फाइबर भी है. तो आपके फाइबर इज़ ऑलवेज बेटर देन फ्रूट जूस. बट जूसेस अगर लेना है तो लेमन जूस, या फिर आप ले सकते लेमन जूस इन द सेंस सिट्रस काइंड ऑफ जूस, या फिर आप ले सकते हो कोई भी मतलब फ्रेश जूस निकाल के लेना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ बाहर का जो बना बनाया जिसमें शुगर एडेड जूसेस है. वो तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए. राइट, अभी बता नहीं दिवाली में हमें भी किसी ने वो मैंगो स्लाइस दे दिया, 4-4, 5-5 घर में ऐसी पड़ी है. अब किसी को देना पड़ेगा, हम तो पियेंगे नहीं भाई साहब. अब क्या है, बच्चे पी सकते हैं, स्मॉल किड्स कैन ड्रिंक दैट, बड़ों के लिए नहीं, बड़ों तो और मोटे हो जाएंगे. सो बच्चों को वो दो, बिकॉज बच्चों को बहुत हाई एनर्जी चाहिए, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हाई वर्कआउट कर रहे हैं. राइट, बहुत ही ज़्यादा अगर आपका वर्कआउट में बहुत इंटेंसिटी है, देन यू कैन गो फॉर दिस शुगरी ड्रिंक्स, वरना नहीं. राइट, बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है तो ठीक है. पार्थ चौधरी, सर सिबोरिक डर्माटाइटिस कौन सा शैम्पू कितने दिन लूँ, और डॉक्टर ने मुझे स्काल्प पे कोकोनट ऑयल स्काल्प लगाने को मना किया, ऐसा क्यों? देखिए, ऑयल क्यों मना किया ये तो मैं नहीं बोल सकता, ये तो वो डॉक्टर बताएगा. कोकोनट ऑयल इज़ नॉट बैड, वो कोई दिक्कत नहीं करता. कोकोनट ऑयल इज़ गुड, लेकिन ऐसा नहीं कि कोकोनट ऑयल ही लगाना पड़ेगा. सिबोरिक डर्माटाइटिस इज़ बेसिकली डैंड्रफ, और डैंड्रफ को ठीक करने के लिए व्हाट यू नीड इज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू. बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐसा नाम की कुछ चीज़ नहीं होती. आप कीटोकोनाजोल का शैम्पू ले सकते हो, कीटोकोनाजोल उसके कंटेंट में होना चाहिए. अकेला कीटोकोनाजोल हो तो भी चलेगा, कॉम्बिनेशन में हो तो भी चलेगा. सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लेना है या वही लेना है. गॉट माय पॉइंट? सो शैम्पू लो एंटी डैंड्रफ, कोई भी जो आपके आसपास अवेलेबल है उसके कंटेंट में देख लो, कीटोकोनाजोल हो, या ज़्यादातर वही मेरे हिसाब से काम करता है. सो यू कैन ट्राई दैट डेली बेसिस पे, उसको एक दिन वो एक दिन नॉर्मल शैम्पू यूज़ करो, हो सकता है उसी से आपको आराम आ जाए. राइट, और कितने दिन लेना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है. किसी को दो हफ्ते लगेंगे, किसी को एक महीना लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन ईच इंडिविजुअल केसेस. किसी को लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, अल्टरनेट डे किसी को लगेगा, किसी को डेली शैम्पू करना पड़ेगा. सो वो बेसिक चीज़ है, शैम्पू करना है जब तक डैंड्रफ ख़त्म ना हो. ओके, पार जी एक क्वेश्चन, दो नहीं. फिशर से बचने के लिए रेगुलर कोकोनट ऑयल एनालिन पे लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हो. फादर फादर एज 73 है विद सिनको बीपी 100. नबरुन दे जी का क्वेश्चन है 124/72 ईसीजी इको, व्हाट इज़ द रीज़न, एनीथिंग सीरियस? सी सिनकोप ईसीजी, ब्लड प्रेशर इतने से सिनकोप नहीं होगा, ईसीजी इको नॉर्मल है. सिनकोप कैन बी बिकॉज ऑफ शुगर्स, कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कैन बी बिकॉज ऑफ ट्रांजिएंट इस्चिमिक अटैक्स, सो कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. अब क्यों इनको सिनकोप हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता. आप इनका एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, न्यूरोलॉजिस्ट असेस करके आपको बताएंगे कि सिनकोप इनको क्यों हो रहा है. राइट, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन टू गो थ्रू.
और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओके, बीपी ठीक है, ईसीजी हार्ट की तरफ से तो ठीक ही लग रहा है, मुझे कोई इशू हार्ट की तरफ से नहीं लग रहा देखने इतने भर से। ऑलराइट, ये करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो गाइस, लाइक कर दिया करो, थैंक्स। सबा खान जी कह रहे हैं, हाय सर, मेरे पसलियों में दर्द होता है, क्या वजह हो सकती है? दोनों तरफ नीचे की तरफ पसलियों में दर्द, ज़्यादातर बहुत से कारण होते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन के, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। आप पानी कम पीते हैं या खाना कम खाते हैं, या प्रोटीन कमी है, या न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, राइट, इन सब से होता है पसलियों में दर्द। एक काइंड ऑफ होल प्रोसेस शुरू हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ दर्द होना। सो ये एक मेन रीज़न है, बाकी आपको देख के ज़्यादा इजीली बता पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी कमी है। सीधे सीधे दिख जाती है, खून की कमी दिख जाती है, आँखें लाल की जगह सफ़ेद हो जाती हैं, आँखों के नीचे का ये हिस्सा यहाँ से ऐसे करें तो सफ़ेद सफ़ेद ज़्यादा दिखता है, ज़बान ज़्यादा लाल नहीं रह जाती जितनी लोगों की होती हैं। तो कई से सिम्टम्स के साइन होते हैं जो होता है, तो मैं कहूँगा एक हेल्थ चेकअप करा लो आप एक बारी, कुछ दिनों के लिए मल्टीविटामिन ले लो, कोई अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान दो, पानी ज़्यादा पी लो, तो हो सकता है इसी से ठीक हो जाए, वरना विटामिन डी की कमी होगी तो उसमें समय लगेगा। सो वो है, धूप में जाना शुरू करो, इसी चीज़ें करो, और एक बार अगर फिर भी दोनों तरफ है दर्द तो फिर भी एक उसके लिए हार्ट का चेकअप ई सी जी जरूर करा लो। आ गया वो पेशेंट, आ रहा हूँ मैं, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसका ई सी जी ले लो, ठीक है, ई सी जी ले लो तब तक उसका, है ना, बस आ रहा हूँ मैं। सो दोस्तों हॉस्पिटल में है, फटाफट आंसर देते हैं आपका, आज का शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। अभी हमारे 3, 4, 5 सवाल हो गए हैं, 5 और मैं दूंगा। हेलो सर, इंटेलिजेंट डॉक्टर, वेरी हैप्पी टू सी यू ऑलवेज, ओके। हाइपोथायरॉयड है और थैलेसीमिया माइनर है, कैन आई डू बॉडी बिल्डिंग, कैन आई यूज सप्लीमेंट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग? यस यू कैन, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम हेयर। हाइपोथायरॉयड है तो बस थायरॉयड, हाइपोथायरॉयड में और नॉर्मल आदमी में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ आपको अपनी दवाई लेनी है, आपको एक एक्स्ट्रा दवाई लेनी है और रेगुलर 3 महीने 6 महीने साल भर में थायरॉयड चेक कराना है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है आप में और बाकी किसी में। थैलेसीमिया माइनर में भी कोई इश्यू नहीं है, बस आपको रेगुलर देखभाल चेकअप करना पड़ेगा, कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, चोट वोट से बचना है, टेक्निक प्रॉपर फॉलो करनी है, बाकी यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। ऑब्वियसली नॉर्मल आदमी ने भी स्लोली प्रोग्रेस करना चाहिए एक्सरसाइज में, तो आप भी स्लोली प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक दिन में अचीव करने की कोशिश ना करें। कैसे बनेगी बॉडी सीरीज देखिए, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाइए, राइट। नदीम जी, डॉक्टर साहब, आफ्टर जिम काब्स या सिंपल सिंपल या कॉम्प्लेक्स लेने या प्रोटीन? नदीम जी, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देखिए तो आपको समझ जाएगा क्यों लेना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। आपने आफ्टर जिम आधा घंटा कुछ नहीं लेना, एक घंटा कुछ नहीं लेना, आधे से एक घंटे के बाद आप काब्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बेहतर है, अगर सिंपल अवेलेबल है तो सिंपल भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव जिम में, ठीक है। तो काब्स पहले फिर प्रोटीन, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, या काब्स और प्रोटीन साथ में ले सकते हैं, उस केस में फिर सिंपल काब्स लेंगे ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो, राइट, ये बात समझें। पवन कुमार जी, सर मेरे हेयर वाइट हो रहे हैं, ठीक है, देखिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके होते हैं, सबको उम्र से गुजरना होता है। आप ये देखिए हेयर वाइट जल्दी हो रहे हैं, प्री मेच्योर हेयर वाइट हो रहे हैं, तो प्री मेच्योर हेयर वाइटनिंग का एक वीडियो है हमारे चैनल में, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन इज द ओनली वे आई एम एबल टू हैव अ बैड नेम व्हेन आई एम ईटिंग, बट आई हैड अ हैप्पी डैट आई एम एबल टू डू माई होम टाउन फॉर होम्योपैथिक। हैप्पी सिंह जी, ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी, ये तो सवाल है या ये आपका कमेंट है, मुझे समझ नहीं आया। ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एवरी वन, हाउ मैनी होल एग्स इन वन डे? होल एग्स 1 or 2, एग वाइट 6 or 8, ओके, दैट इज़ नेचुरल थिंग, आप इतना ले सकते हो, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें खाइए प्रोटीन्स में, ओके। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी है मेरा शॉर्ट चैनल वाले में, डॉक्टर एजुक्यू FAQ चैनल में, वो देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज मैं देख लूँगा, ओके। बीपी की कितनी रेंज मैक्स हो तो हार्ट को कोई खतरा नहीं है? देखिए बीपी से एक दिन में हार्ट को खतरा नहीं होता, फिर से बता दूं गोपी जी, बीपी आपका 200 तक भी जा सकता है और आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। प्रॉब्लम है लगातार बीपी बढ़ने से, जिस तरह आप एक्सरसाइज दौड़ तो सकते हो ना, सब दौड़ सकते हैं आप, दौड़ सकते हो, सब दौड़ सकते, जब दौड़ते हो तब बीपी आपका 180-190 तक रहता है, लेकिन आप क्या जिंदगी भर एक दिन 24 घंटा दौड़ सकते हो? 24 घंटा 48 घंटा दौड़ोगे तो क्या होगा आपके हाथ? वैसे ही आपके हाथ आ रहा, 5 मिनट में, 2 मिनट हो गया, एंड हो गया। 200 का बीपी है, चलो ठीक है,
तो एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, 10 क्वेश्चन अगर हो जाएं तो मैं निकलता हूँ। एक पेशेंट हाइपर हाइपर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट ही क्वेश्चन है 10। सो दोस्तों, एग योग इन अ डे मैंने बता दिया, एक या दो। हाउ मेनी योग इन अ डे? क्या दो? स्टीरॉयड पे वीडियो ऑलरेडी है मेरा, स्टीरॉयड वाला देख लीजिए। और बीपी के लिए बीपी का वीडियो देखो। बीपी की रेंज 130/90 से नीचे होनी चाहिए रेस्टिंग में। अगर 24 घंटे में आपका बीपी लगातार हाई है तो प्रॉब्लम है, 1 घंटे से ज़्यादा हाई है तो प्रॉब्लम है। हाई जाना प्रॉब्लम नहीं है, हाई रहना प्रॉब्लम है। बीपी के पूरे वीडियो देखो, आपको समझ जाएगा। सॉरी, ये वीडियो 10 मिनट का ही हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा। 10 क्वेश्चंस के सवाल हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा अगर हो सकेगा तो यूट्यूब पे भी फिर से लाइव आता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब की बार यूट्यूब पे लाइव आके थोड़े रैंडम सवाल के जवाब दूंगा। ओके, बाय।